हेलो स्टूडेंट्स आज क्लास प्लस टू यूनिट नंबर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर फोर में हमारा टॉपिक है ओम्सला तो ओम्सला करने से पहले अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें और ये प्रॉब्लम्स प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड हैं, तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे हो कि फर्स्ट प्रॉब्लम में ए कॉपर वायर ऑफ डायामीटर वन मिलीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ जीरो पॉइंट टू एम्पियर कॉपर हैज एट पॉइंट फोर इंटू टेन रेज टू पार ट्वेंटी एट एटम्स पर क्यूबिक मीटर फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज्यूमिंग दैट वन चार्ज कैरियर ऑफ 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट पर इज एसोशिएटेड विद ईच एटम ऑफ द कॉपर तो यहां पर हमें करंट भी गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो रिलेशन क्या यूज होगा तो आई इज इक्वल टू एन ई गिवन है मिलीमीटर मिली में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और फिर लेटर ऑन इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं पाई डी स्केयर बाई फोर से है ना अब करंट भी गिवन है अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है ना और एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इट मींस अगर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इतना है तो नंबर ऑफ करंट कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम भी जो स्मॉल एन है वो भी सेम होगा ना तो ई e गिवन है चार जो फ्री इलेक्ट्रॉन पर तो अब ये फार्मूला यूज किया यहाँ पे आई एन ई ए की वैल्यू सब्सिट्यूट की अब ए की वैल्यू पाई डी स्केयर फोर में कन्वर्ट कर ली ना डायमीटर में तो उनको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो अब सेकेंड प्रॉब्लम है व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 200 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इट एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस पर माइनस सिक्स स्क्वेर मीटर पर वोल्ट पर सेकेंड मोबिलिटी गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है ठीक है तो अब यहां देखिए मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू आ जाएगी ना अब मोबिलिटी म्यू भी गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी गिवन है तो वैल्यू सब्सिट्यूट कीजिए आंसर आ जाएगा अब प्रॉब्लम नंबर थ्री में देखिए आप कि ए करंट ऑफ थ्री एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ टू मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वन स्क्वायर मिलीमीटर इफ द वायर कंटेन्स टेन रेस्ट बाइ ट्वेंटी नाइन इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर कैलकुलेट द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ वायर अब कोई भी फ्री चार्ज कंडक्टर की गिवन लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए पहले टाइम निकालने के लिए तो अब कौन सा फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एन ई एडी अब आपको करंट आई भी गिवन है लेंथ भी गिवन है एरिया स्क्वायर मिलीमीटर में है उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिया अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी गिवन है नंबर डेंसिटी और चार चोन इलेक्ट्रॉन मालूम ही है हमें तो अब यहां पर हमने वीडी की वैल्यू यहां इस इक्वेशन को यूज करके वीडी की वैल्यू निकाल लेनी है ना अब इसकी वैल्यू आ गई तो टाइम क्या है तो टाइम क्या है एल ओवर वी डी यहां ऐसे करिए आप कि टाइम निकालना है ना एल ओवर वीडी फार्मूला से अब वीडी की वैल्यू यहां से निकाल के वो यहाँ सब्सिट्यूट करके ये सिंगल फार्मूला बना लो आप तो कोई भी मेथड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो अब प्रॉब्लम नंबर फोर में है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ पॉइंट टू मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन मिलीमीटर वेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ फोर वोल्ट गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एंड भी गिवन है म्यू भी गिवन है वोल्टेज भी गिवन है तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है और पोटेंशियल डिफरेंस है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर निकाल सकते हैं ना तो म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर है वो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ तो v L, तो डिफरेंसूट कर दिया अब इस फार्मूला से वीडी वैल्यू आ गई म्यू वी अब उस वीडी को हमने आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी वाले फार्मूला में सब्सिटूट करके करंट का फार्मूला बना लिया ना तो एक सिंगल फार्मूला डिराइव कर लिया क्योंकि करंट चाहिए ना हमें प्रॉब्लम नंबर इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ वन मिलीमीटर डायामीटर इज वन पॉइंट वन एम्पियर द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज नाइन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज सिक्सटी थ्री यू फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एटम ऑफ कॉपर फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब आपको यहाँ करना है कि यहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब नंबर डेंसिटी गिवन नहीं है अब यहां पर मोल कंसेप्ट से आपको वो निकालनी पड़ेगी ना इसी कारण ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है अब करंट गिवन है डाया गिवन है डाया से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई डी स्केयर बाई फोर्स निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है एटॉमिक मास गिवन है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है पर केजी के अकॉर्डिंगली और अब सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि हमारा कंडक्टर जो है वो उसकी लेंथ एल है और वो सिलेंड्रिकल शेप का है उसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है तो अब इस कंडक्टर का मास कितना हो गया कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है ए इंटू एल और ए पाई डी स्केयर बाय फोर है ना तो इंटू एल अब जब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को आप डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मास ऑफ कंडक्टर आ जाएगा ठीक है ना अब यहाँ पर आपने अब हमें कंडक्टर का मास मालूम है ना और एटॉमिक मास भी गिवन है तो अब हम यहाँ पे मोल कंसेप्ट अप्लाई करके इस कंडक्टर में नंबर ऑफ कॉपर एटम्स निकाल सकते हैं कैसे गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर तो ये मोल कांसेप्ट है ना अब नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम वो कैसे निकालोगे आप भी नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन द गिवन कंडक्टर हमने निकाल लिया मोल कांसेप्ट से अब उस नंबर को हमने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के साथ डिवाइड करना है तो जब डिवाइड करके तो हमारे पास ये फार्मूला बना स्मॉल n का ना तो ये स्मॉल n की वैल्यू है अब आपको डेंसिटी ऑफ कॉपर भी गिवन है एवोगैड्रो नंबर भी गिवन है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास भी गिवन है तो इट मींस आप n स्मॉल n निकाल सकते हो अगर स्मॉल n निकल आया तो आप i is equal to n ea vd में वो सब्सिट्यूट करके वहां से vd निकाल सकते हो ना आप तो मींस इस न्यूमेरिकल में आपको नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा यूजिंग मोल कंसेप्ट तो इसी कारण ये इम्पॉर्टेंट है अब प्रॉब्लम नंबर सिक्स में देखिए आप करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस आर विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी इफ दिस करंट इज पास्ड थ्रू अनदर कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड डबल द रेडियस व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट अब जैसा कि आपको मालूम है क्योंकि दोनों वायर्स में करंट सेम है ठीक है अब दोनों वायर्स का मटेरियल सेम है तो नंबर डेंसिटी भी सेम है ई e भी सेम है तो इट मींस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगी क्योंकि दोनों वायर्स के लिए आई भी सेम है एन भी सेम है ई e भी सेम है पाई भी सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगी अब जो सेकेंड वायर है उसका रेडियस डबल है तो वेलोसिटी वन फोर्थ हो जाएगी ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो तो है, है कि किसी भी मटेरियल में जो स्मॉल एंड जिसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है प्लस नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस पे तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए चाहे कॉपर है आयरन है गोल्ड है सिल्वर है है ना तो हर मटेरियल के लिए ये एन की वैल्यू डिफरेंट है और जिस मटेरियल के लिए नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स जितनी ज़्यादा होगी उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे गॉट इट और ये एन की वैल्यू किसी भी गिवन सब्स्टांस के लिए टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है कैसे कि विद द चेंज इन टेम्परेचर ये चेंज करती है तो अब अगर हम बात करें मेटल्स की तो मेटल्स के अंदर जो करंट कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो एन है नंबर डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है विद द चेंज इन टेम्परेचर क्योंकि किसी भी मेटल में जो गिवन रूम टेम्परेचर पे जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने हैं ना वो ऑलमोस्ट फिक्स है तो उसमें बहुत स्लाइट इंक्रीज होता है चेंज होता है विद द राइजिंग टेम्परेचर तो इस कारण आपने मान के चलना है कि मेटल्स के केस में जो एन की वैल्यू है विद राइज इन टेम्परेचर वो बहुत ही कम इंक्रीज होती है तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहती है क्लियर पर जो सेमी कंडक्टर्स तो सेमी कंडक्टर्स में दो तरह के करंट कैरियर्स होते हैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरा होल्स तो जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना विद द स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर जो एन की वैल्यू है दैट इज इंक्रीज बाय लार्ज अमाउंट तो जो एन है ना वो ज्यादा इंक्रीज करता है विद द स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर सेमी कंडक्टर्स केस में तो इट मीन सेमी कंडक्टर्स के केस में अगर टेम्परेचर फॉल करेगा तो एन डिक्रीज करेगा और अगर राइज करेगा तो एन इंक्रीज करेगा तो ये रिजल्ट याद रखना है जबकि मेटल्स के केस में जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बहुत स्लाइट इंक्रीज इन एन की वैल्यू होगी ना तो उसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करनी पड़ेगी आगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में इसको यूज करेंगे क्लियर अब ये देखिए ये बात आपको मालूम है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसका तो उस केस में जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो किसके बराबर होती है क्योंकि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो जब हम इन फैक्टर्स को रिकम्बाइन करते हैं कंबाइन करते हैं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए और प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज करते हैं ना प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए रो रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी तो ये लोअर क्लासेज में भी आपने पढ़ा हुआ है ना कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रो एल बाय मगर फार्मूला का अप्लाई होगा कंडक्टर के लिए जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन थ्रू आउट सेम होगा यूनिफॉर्म होगा तो अगर कोई वायर जिसकी लेंथ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है नॉन यूनिफॉर्म है कहीं पे वायर पतली है कहीं पे तब आप वहां पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तब हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, ना तो वो नोमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो अब रो जो है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल रहे हैं जिसका नाम हमने रखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो आपने याद क्या रखना है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और वो किसी भी कंडक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मगर जो रेजिस्टिविटी है वो किसी भी कंडक्टर की फिजिकल पैरामीटर्स लाइक लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती तो किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल प्लस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है मेनली ठीक है तो जो रेजिस्टिविटी है तो जिसका ऐसी प्रोकल हम कंडक्टिविटी जानते हैं तो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ये सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल पर डिपेंड करती है तो ये किसी भी कंडक्टर की लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती और रेजिस्टिविटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है मतलब टेम्परेचर के विरी होने से ये बदलती है बट कैसे वो हम आगे डिस्कस करेंगे तो रेजिस्टिविटी जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि वो फिजिकल डायमेंशन लेंथ और रेडियस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती जबकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंडेंट है तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी करती है तो इट मींस हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी सब्सटेंस की वो लेंथ एरिया के साथ साथ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर प्लस टेम्परेचर इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है और जिन कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतने गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे एंड वाइस वर्सा और एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है तो इस फार्मूला से हमने ओम मीटर इसका एस आई यूनिट है और सी जी एस में इसको ओम सेंटीमीटर लिखते हैं ना और ये स्केलर क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी अब अगर बात करें कंडक्टेंस की जिसका सिंबल है कैपिटल जी तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और कंडक्टेंस स्केलर क्वांटिटी है इसका यूनिट ओम इनवर्स या मोह या ओम इनवर्स और साइमन भी लिख सकते हैं ना, तो आपने ये याद रखना है और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है और कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो जो रेजिस्टिविटी है एंड कंडक्टिविटी है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं और स्केलर क्वांटिटीज हैं और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है वो आपके सामने लिखा हुआ है ना ओम मीटर इनवर्स है या मो पर मीटर है या साइमन पर मीटर है तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे ना अब रेजिस्टर की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं ना और उसका सर्किट में सिंबल जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना जीजेक्ट वो पाथ है अब यहां पर आपको इस टेबल में ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट सब्सटेंसेस की चाहे वो मेटल्स हैं एलॉयज हैं सेमी हैं इंसुलेटर्स हैं उन सब की रेजिस्टिविटी गिवन है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो नॉर्मली हम 20 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट मान के चलते हैं फॉर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो इस कारण ये वैल्यूज 20 डिग्री सेल्सियस के लिए है ना अलग अलग सब्सटांसिस की हैं ये आपने याद नहीं रखनी जस्ट आप यहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं तो देख सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की conductors की alloys की semiconductors की insulators की जो resistivities हैं वो किस range में vary करती है ना तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको अब अब बात करते हैं कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर्स अब होता क्या है कि जो हमें रेजिस्टर्स गिवन होंगे कई बार तो उनमें उन रेजिस्टर्स की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना वो डायरेक्टली गिवन नहीं होती वो डिजिट्स में गिवन नहीं होती वो कोड्स में दी, दी होती है ना तो अब कार्बन रेजिस्टर्स में वो कोड कलर्स के अकॉर्डिंगली होता है जैसा कि आप यहां देख रहे हो कि ये एक ये वायर है जो यहां पे रजिस्टर का रोल प्ले कर रही है ना अब यहां पर ये देखिए तो ये वाली ये जो वायर है ये तो उनकी कनेक्टिंग वायर्स है ना इसके अंदर इसके अंदर जो एनवेलप के अंदर है तो ये एनवेलप मेनली इंसुलेटर्स का बना हुआ है सिरामिक मटेरियल का है ना तो इस सिरामिक मटेरियल के अंदर जो वायर है तो वो रेजिस्टर है पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पजस कर रही है अब उसकी कितनी रेजिस्टेंस है उसके लिए क्या किया हुआ है कि इसके ऊपर इस बॉडी के ऊपर ये 1 2 3 कलर्ड लाइन्स होंगी बैंड्स होंगे ना स्ट्रिप्स होंगी और ये फोर्थ है मींस टोटल चार स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे तीन भी हो सकती हैं ये वाली तो ये वाली स्ट्रिप मिसिंग भी हो सकती है ना तो ये चारों स्ट्रिप्स जो हैं इनमें से एक अकेली होगी और बाकी तीन इकट्ठी होगी ना तो ये दो तो ये फोर्थ स्ट्रिप है ये थर्ड है ये सेकंड है ये फर्स्ट है अब ये जो तीन स्ट्रिप्स हैं इनके कलर से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं और ये जो फोर्थ बैंड अकेले वाली स्ट्रिप है ना इसके कलर से हम परसेंटेज वेरिएशन टॉलरेंस फाइंड आउट करते हैं अब जैसे ये देखिए आप कि अब ये जो अकेले वाली स्ट्रिप है बैंड है इसको फोर्थ बोलना है और थर्ड सेकंड फर्स्ट अब ये जो तीन बैंड्स हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले इनके कलर से हम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे और जो फोर्थ बैंड है ना इसके कलर से टॉलरेंस आएगी वेरिएशन इन रेजिस्टेंस अब ये जो तीन बैंड्स हैं ना जिनकी वैल्यूज से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम होगी कलर से तो इन तीनों बैंड्स के कलर्स इनमें से हो सकते हैं ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलट ग्रे वाइट तो ब्लैक कलर का कोड याद रखना है आपने जीरो है ब्राउन का वन है रेड का टू है ऑरेंज का थ्री है येलो का फोर है ग्रीन का फाइव है ब्लू का सिक्स है वायलेट का सेवन है ग्रे का एट है वाइट का नाइन है तो ये डिफरेंट कलर्स के आपने कोड याद रखने हैं ना, और इनको याद रखने के लिए आप ये टर्म याद रख सकते हो बी बी रॉय बी ब्लैक बी ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ये इनको ना बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ठीक है अब जो ग्रेट है वो ग्रीन के लिए ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन का बी ब्लू के लिए हैज ए वेरी वेरी का वी वायलट के लिए है गुड वाइफ जी फॉर ग्रे एंड डब्ल्यू फॉर व्हाइट तो ये लाइन को याद रख के आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हो और इस ऑर्डर को याद रख के आप जीरो से स्टार्ट करके नाइन तक जाना, जाना है ना आपने तो वहां से आपको डिफरेंट कलर्स के कोड याद हो सकते हैं इजीली गॉट इट अब जो फोर्थ बैंड है ना उसका या तो सिल्वर सिल्वर कलर होगा या गोल्ड होगा या नो कलर नो कलर मीन्स फोर्थ बैंड एबसेंट होगा तो अगर फोर्थ बैंड नहीं है मिसिंग है तो इट मीन्स उसकी टॉलरेंस आपने 20 परसेंट कंसिडर करनी है और अगर फोर्थ बैंड का कलर गोल्ड है तो 5 परसेंट अगर सिल्वर है तो 10%. अब परसेंट टॉलरेंस कैसे करना है तो मान लीजिए कि हमें सारे बैंड्स के कलर्स नॉन है गिवन है तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी कि जो फर्स्ट बैंड का कलर है उसके कोड को हमने फर्स्ट डिजिट लिखना है जो सेकेंड बैंड का कलर है ना उसके कोड को हमने सेकेंड डिजिट लिखना है इनटू टेन रेस टू पावर तो जो इनटू टेन अपने आप करके उसकी जो पावर है टेन की जो पावर है वो थर्ड बैंड के कलर कोड से मालूम होगी और प्लस माइनस जो फोर्थ बैंड की टॉलरेंस है वो लिखनी है तो कलर कोडिंग में आपने कैसे रेजिस्टेंस निकालनी है कि जो फर्स्ट बैंड का कलर है उसके कोड को फर्स्ट डिजिट जो सेकंड बैंड का कलर कोड है उसको सेकंड डिजिट इन और उस टेन की पावर को हमने थर्ड बैंड के कलर कोड से लेना है प्लस माइनस फोर्थ बैंड के कलर कोड से हमने टॉलरेंस लिखनी है अब ये न्यूमेरिकल में आप समझ सकते हो ना तो ये लिखा है कोड ड्यू टू अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि मान लीजिए हमें बताया गया है कि फर्स्ट बैंड का कलर ऑरेंज है सेकेंड बैंड का कलर ब्लू है थर्ड का रेड है फोर्थ का सिल्वर है तो अब रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है तो ऑरेंज तो ऑरेंज का कोड है थ्री तो फर्स्ट डिजिट थ्री सेकेंड बैंड ब्लू, ब्लू का कोड है सिक्स सिक्स तो थर्टी सिक्स इंटू टेन और टेन की पावर थर्ड बैंड के कोड से आ गई थर्ड बैंड कौन सा है रेड का है ना तो रेड के लिए टू है प्लस माइनस थर्टी सिक्स हंड्रेड प्लस माइनस टेन परसेंट तो थर्टी सिक्स हंड्रेड का टेन परसेंट क्या होगा थ्री 360. सिक्सटी तो थर्टी सिक्स हंड्रेड में थ्री सिक्सटी एड करिए तो थर्टी नाइन हंड्रेड सिक्सटी बन गया ना और माइनस करिए तो थर्टी टू हंड्रेड फोर्टी है ना तो इट मींस इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है थर्टी टू हंड्रेड फोर्टी से थर्टी नाइन हंड्रेड सिक्सटी तक वेरी कर सकती है ना वेरिएशन शो कर सकती है तो इस तरह से हमने इसको अब यहां देखिए आप अब यहां पर आपको कार्बन रजिस्टर की दी हुई है कितनी रजिस्टेंसोर इंटू टेनरेस्ट टू में कन्वर्ट कर लिया ना। अब फोर फर्स्ट डिजिट है अब फोर का कलर क्या है तो अगर आपको कोड याद है तो फोर जो है ना वो येलो कलर के लिए है। और सेवन जो है वो वायलेट के लिए है और जो टू है टेन की पावर जो है वो रेड कलर के लिए इट मींस इस केस में इस रजिस्टर में जो फर्स्ट बैंड का कलर होगा वो येलो होगा सेकेंड बैंड का वायलेट थर्ड का रेड होगा ना गॉट इट तो ये कलर कोडिंग के बेस्ड न्यूमेरिकल्स है ना अच्छा अब ये देखिए आप कि अगर आपके सामने जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है वी बाय आई तो अगर आपको उस सब्सटेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नोन है और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उस सब्सटेंस में कितना करंट है वो नोन है तो वी और आई की रेशियो को आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो ना तो उसी तरह से आप देखिए कि हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर की लेंथ तो एल है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ए है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और करंट आई है तो अब इस सब्सटेंस की रेजिस्टेंस वी बाय आई से कैलकुलेट कर सकते हैं मगर इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की रेजिस्टेंस रो एल बाय ए है और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ में रिलेशन आपको मालूम है फर्स्ट यूनिट में किया था ना माइनस डी बी बाई डी तो वी इज इक्वल सब्सिट्यूट करें है ना तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा ना रो आई e तो ई e किसके बराबर आ गया रो आई बाय ए तो j है ना तो e इज इक्वल टू रो जे तो ये किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और करंट डेंसिटी कितनी है इन दोनों के बीच में रिलेशन है तो ये आर्टिकल क्या है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर तो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है और और किसी भी current carrying conductor के अंदर electric field and current density में क्या relation है? E is equal to rho J. तो ये results नहीं है ना तो इट मीनस किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट एग्जिस्ट नहीं करता अब क्योंकि जो रो है उसको वन बाय सिग्मा लिख सकते हैं ना सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी तो इट मींस जे इज इक्वल टू सिग्मा तो ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी है इन टर्म्स ऑफ रिजिस्टिविटी और ये इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी है ना इक्वेशन फोर एंड फिफ्थ तो ये रिजल्ट्स भी आपको डिराइव भी करने आने चाहिए और याद भी होने चाहिए अब जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज मानते हैं ठीक है और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेजिस्टिविटी है कंडक्टिविटी है करंट डेंसिटी है ना तो ये अमाउंट मटेरियल की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती ना तो ये गिवन पॉइंट के लिए डिफाइन होती हैं तो इनको हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी करंट डेंसिटी ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस करंट ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है अच्छा अब यहां पर देखिए आप आपको क्या नजर आ रहा है आपको एक कंडक्टर नजर आ रहा है जिसके दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है और करंट आई है अब अगर हम इस कंडक्टर के करंट को मेजर करें मान लीजिए वो कितना है पॉइंट फाइव एम्पियर और जब इसके अंदर करंट पॉइंट फाइव एम्पियर है तब हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया वो था टू वोल्ट ठीक है और जब हमने वी को आई के साथ डिवाइड किया तो इसकी रेजिस्टेंस है फोर ओम अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया इसके करंट को इंक्रीज़ करके वन एम्पियर कर दिया तो जब इसके अंदर करंट वन एम्पियर है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने पर मालूम हुआ फोर वोल्ट है तो अगेन इसकी रेजिस्टेंस फोर ओम आई जब इसका करंट फर्दर इंक्रीज किया वन पॉइंट फाइव एम्पियर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस सिक्स वोल्ट है अगेन रेजिस्टेंस फोर ओम आई और जब हमने फर्दर इसका करंट अगेन इंक्रीज किया टू एम्पियर तो पोटेंशियल डिफरेंस एट वोल्ट आया तो रेजिस्टेंस फोर तो आप क्या देख रहे हो कि इस कंडक्टर में जब हम करंट को चेंज कर रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल नहीं रही वो सेम रहती है ना तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर के केस में कि वी ओवर आई की रेशियो कांस्टेंट है ना वो करंट या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती ठीक है और अगर वी ओवर आई की कॉन्स्टेंट है इट मीन इसकी रेजिस्टेंस इस की और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस इसके करंट या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रही तो इट मीन हम लिख सकते हैं कि इस कंडक्टर के केस में जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये कंडक्टर ओम्सला ओबे कर रहा है और दूसरी तरफ मान लीजिए कि ये कोई और कंडक्टर है जब हमने इसके एकरॉस करें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट नोट किया तो क्या देखा कि जब तो करंट है पॉइंट फाइव एम तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है टू वोल्ट तो इसकी रेजिस्टेंस आई फोर ओम पर जब हमने इसके करंट को फर्दर इंक्रीज किया टू एम तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया फोर वोल्ट तो इसकी रेजिस्टेंस आई टू ओम ठीक है और जब हमने इसका करंट फर्दर इंक्रीज किया फोर एम्पियर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस आया सिक्स वोल्टन फाइव ओम जब हमने इसका करंट और इंक्रीज किया एट एम्पियर एट वोल्ट तो क्या देख रहे हो आप कि इस कंडक्टर में जब हम करंट या पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं आ रही है न? तो इस केस में नहीं हम लिख सकते कि जो वी ओवर आई की रेशियो है वो कॉन्स्टेंट है और इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है राधा क्योंकि जैसे जैसे करंट या वोल्टेज बदल रहा है आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है ना तो इस केस में इस कंडक्टर के केस में हम ये नहीं बोल सकते कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो इट मीनस ये ओमजला ओबे नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा क्योंकि ओमजला की स्टेटमेंट क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर आई है किसी भी कंडक्टर के लिए तो वो ओम्ला ओबे करेगा और इस केस में क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन रेजिस्टेंस आएगी तो इट मीन्स ओमजला के केस में जो आ है वो कॉन्स्टेंट है मतलब ये कि एक्चुअली जो नॉर्मली स्टूडेंट्स है वो इस रिलेशन को में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये V इज इक्वल टू तो आप ध्यान से सुनिए कि V इज इक्वल टू तो आर आई या आई आर ये एक सिंपल रिलेशन है बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस में और ये रिलेशन हर सब्सटेंस के लिए जो चाहे होम्सला ओबे कर रहा है चाहे नहीं कर रहा उस केस में उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में यूज होता है पर ये फार्मूला वी इज इक्वल टू आर आई या वी इज इक्वल टू आई आर ये फार्मूला ओम्सला को कब रिप्रेजेंट करता है जब इस फार्मूला में जो आर है रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ करेंट और वोल्टेज हो जाती है गॉट तो ये, ये ओम्सला को किस कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगा जब इसमें आर इंडिपेंडेंट ऑफ करंट और वोल्टेज है और पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये याद रखना अदरवाइज ये फार्मूला सिंपल रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेजिस्टेंस। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस करंट, ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है ना तो इस फार्मूला को हम मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ऑम्जिला कहते हैं प्रोवाइडेड आर इज कॉन्स्टेंट शर्त यह है कि ये फार्मूला ऑमजिला कब है जब इसमें आर की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस है और साथ में यहाँ पे हमने क्या लिखना है की स्टेटमेंट में कि प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर अच्छा अब ये जो फार्मूला हमने पीछे डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी में तो ये वाला फार्मूला भी एक जनरल रिलेशन है बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फार्मूला भी hmm. Ohms law को रिप्रेजेंट करेगा प्रोवाइडेड इस फार्मूला में जो कंडक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर हो अगर किसी कंडक्टर की या जब तक किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट है तो वो कंडक्टर जो है वो ओम्सला उबे करेगा और ये वाला फार्मूले को हम, तब हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्सला बोलेंगे तो आपने बात को बड़े ध्यान से समझना है कि जो जे इज इक्वल टू सिग्मा ही है ठीक है ना ये एक सिंपल रिलेशन है बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मगर ये रिलेशन ओम्सला को रिप्रेजेंट करेगा पर कब कर जब इस फॉर्मूला में जो सिग्मा कंडक्टिविटी है उस कंडक्टिविटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर पे डिपेंडेंट ना हो, गॉट इट? तो अगर किसी सब्सटेंस की किसी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने पर चेंज हो रही है तो फिर वो ये वाला जो फॉर्मूला है तब ये ओम्सला रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो ये ओम्सला कब रिप्रेजेंट करेगा जब सिग्मा कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर पे डिपेंडेंट ना हो और इस फॉर्म को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ऑफला बोलते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो करंट डेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है या कंडक्टिविटी है ये माइक्रोस्कोपिक टर्म्स है ऐसे ये बात भी हो चुकी है कि वैसे तो ये वी इज इक्वल टू आर आई एक सिंपल रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस एंड करंट मगर ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ होम्सला को कब रिप्रेजेंट करेगा जब इसमें आर की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ करंट या पोटेंशियल डिफरेंस हो अब जैसा कि हमने पीछे ये टेबल डिस्कस किया था कि जिस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट के बदलने या वोल्टेज के बदलने पर चेंज ना हो तो वो कंडक्टर होम्सला ओबे करेगा और उसको हम ओहमिक और लीनियर डिवाइस बोलेंगे और ओमिक और लीनियर डिवाइस ओम्सला ओबे करेगा इसका पता हमें कैसे चलेगा वो चलेगा कि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो करंट या पोटेंशियल डिफरेंस के बदलने पर चेंज नहीं हो रही या उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी है वो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने पर चेंज नहीं हो रही और जितने भी ओमिक और लीनियर डिवाइसेस हैं तो उनके बीच में जो करंट वोल्टेज ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी और ओमिक और लीनियर डिवाइसेस की अगर एग्जांपल्स के बारे में पूछे तो मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स ये सब ओमिक सब्सटेंसेस है बट इनके लिए जो रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेसिफाइड होती है ना उस रेंज के अंदर अंदर ये ओमजला ओबे करते हैं अब जैसा कि ये टेबल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस टेबल में क्या है कि इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो करंट या पोटेंशियल डिफरेंस के बदलने पर चेंज हो रही है ना तो ये सब्सटेंस जो है ये ओम्सला ओबे नहीं कर रहा तो इसको हम नॉन ओहमिक और नॉन लीनियर डिवाइस बोलते हैं ठीक है जो ओम्सला ओबे करे वो ओहमिक और लीनियर जो ना करे वो नॉन ओमिक और नॉन लीनियर डिवाइस है अब जो नॉन लीनियर या नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो इनके करंट या पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने पर चेंज होती रहती है और इनकी कंडक्टिविटी या रिजिस्टिविटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने पर चेंज होती रहती है ना और इनका जो ग्राफ है करंट वोल्टेज ग्राफ वो या तो कर्वड होगा या फिर अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी तो ये वाला ग्राफ वाटर वोल्ट मीटर के लिए और ये वाला ग्राफ पी एन के लिए इट मीनस अगर हमसे कोई पूछे कि नॉन ओमिक मटेरियल्स की दो एग्जांपल्स दो तो पीएन डायोड वाटर मीटर आप लिख सकते हो गॉट इट थैंक यू वेरी मच